बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इस उम्मीद की दुआ के साथ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अपने घरों में खुश और आबाद। मैं आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल अबेहा कुकिंग पे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, जो कि आप लोगों ने आज तक यकीनन ट्राई नहीं की होगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ नान खताई, जिसके लिए मैं ले लूँगी मैदा 2 कप, और साथ ही इसमें जो है मैं शामिल कर दूंगी इसके बाद बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और साथ ही बेकिंग पाउडर इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। ठीक है, तो इन सब जो खुश इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं यहाँ पे छान लूंगी, और बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी ये होने वाली है। आप नान खताई जो है नॉर्मली सब लोग ही बहुत शौक से खाते हैं और सबको लगता होगा ये बहुत मुश्किल रेसिपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जितने भी मैं इसको मिक्स करी, चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कर दीजिए लाइक और इसे शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मैंने उसको अलग रख दिया। अब दूसरा बॉल है जिसमें मैंने शामिल कर दी है 1.5 कप पिसी हुई चीनी, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ घी। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 कप घी लेना है। आपने देखा होगा मैंने 1/2 कप लिया, 1/2 कप जो है मैंने नॉर्मल घी लिया है और 1/2 कप मैंने देसी घी लिया। ठीक है, टोटल 1 कप हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप पूरे का पूरा नॉर्मल जो हमारा कुकिंग में यूज़ होता है किचन में पराठों वगैरह के लिए, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन देसी घी अगर थोड़ा आप इस्तेमाल कर लेंगे 1/2 कप जितना, तो उससे यह बहुत अच्छी सी इसमें एक खुशबू आती है। और अगर आप प्योर देसी बनाना चाहते तो बेशक पूरा कप जो है देसी घी का शामिल करें। इसको यहाँ पे मैंने मिक्स करना है 2 से 3 मिनट, इतना मिक्स करना है इस तरह की फॉमी कंसिस्टेंसी आ जाए। उसके बाद ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने इकट्ठे किए थे शुरू में, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े थोड़े करके। ये देखें आपके सामने, मैं इसको 3 से 4 पोर्शंस में इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, पहले थोड़ा किया उसको मिक्स कर दिया, फिर दोबारा किया, ये देखें फिर इसको मिक्स कर लिया। शुरू में तो ये देखें मिक्स करना आसान है, क्योंकि थोड़े सा लिक्विड है जो हमने इसमें घी डाला था और अभी भी हो रहा है मिक्स, लेकिन जब आखिर वाला डालूँगी तो ये जो हैंड बीटर मैं यूज़ कर रही हूँ इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो है इसको फिर हाथ की मदद से कर लेंगे। जस्ट मैं इसमें ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स करती हूँ, और फिर मैं जो है इसमें से ये जो हैंड बीटर निकाल लूँगी, और फिर मैं इसको हाथ की मदद से बहुत ईजीली ये इकट्ठा हो जाएगा, जैसे हम लोग कुकीज़ बनाते हैं ना और उसकी डो को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको बेसिकली गूंदना नहीं होता, आपने इकट्ठा करना होता है कि खुश इंग्रेडिएंट जो होते हैं और जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। बस इस तरीके से ये देखें हाथ की मदद से, नॉर्मली उंगलियों की मदद से। ठीक है, आपने हथेली का यूज़ जो है कम करना है। तो ये देखें मैं आपके सामने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हल्का हल्का करके। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैं, देखिए मैंने इतने ईजी वे के साथ इसको इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो सारे इंग्रेडिएंट जो आपके घर में मौजूद हैं उसके साथ इसको तैयार कर रही हूँ। और ये बेसिकली बाज़ार से आपको पता कितनी महंगी नान खताइयाँ मिलती हैं, ख़ासतौर पे खलीफा की नान खताई जो है बहुत महंगी है। और ये देखें, ये जब इसकी शेप बनना स्टार्ट हो जाए, ये देखें प्रॉपर शेप आ रही है, उसका मतलब है ये सेट हो चुका है। तो अब जो है मैं इसको बस इस तरीके से सेट कर लूँगी कि इसकी नीट सी लुक आ जाए, और एक दफ़ा दोबारा से दोनों हाथों की मदद से थोड़ा करके ये देखें मैं इसको इस तरह से सेट कर दूंगी, ये बिल्कुल नीट सा हो गया है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी। उतनी देर में हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो आलमंड्स ऐड करने हैं उनको रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि सिंपल कच्चे आलमंड डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इनको रोस्ट करना होता है। रोस्ट किए हुए आलमंड्स जो हैं इन नान खताइयों में ऐड होते हैं। तो चलो जी, मैंने ले लिया है एक पैन, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बादाम, और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ड्राई रोस्ट आपने इतनी देर करना है कि आपको एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं ड्राई रोस्ट, और इनका आपने कलर जो है ना चेंज नहीं करना, एकदम से ये ब्लैक हो जाते हैं, साथ साथ हिलाते जाने, और बस 3 से 4 मिनट आपने इसको रोस्ट कर लेना, या बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो हल्की आंच पे 5 मिनट। तो इनको मैं निकाल लूँगी और इनको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको कट कर लूँगी छोटे छोटे साइज़ में, क्योंकि अगर बड़े ही रहने देंगे तो फिर ये मुँह में बहुत कम आते हैं, तो छोटे कर लेंगे ना तो मुँह में आएंगे। अब आपको की पसंद पे मुनहसर, अगर आपको पूरा पसंद है तो पूरा ऐड करना। तो मैंने इनको ये ना बहुत बारीक किया था ना बहुत मोटा रहने दिया था, इस तरीके से काट लिया था। और अब जो है
मैंने जिस जो आटा तैयार किया था उसका डो जो तैयार की थी उसमें ये ऐड कर दूंगी और इनको एक दफ़ा मिक्स कर लूंगी दोबारा से। तो ये देखें, अब इनको आलमंड्स को हम लोग मिक्स कर लेंगे और फिर हम लोग कुकीज़ तैयार कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से बेक करना है, एक एक चीज़ बताऊँगी। वीडियो एंड तक देखिए। तो और मैं आपको इतना भी श्योरिटी देती हूँ कि आप एक दफ़ा फर्स्ट टाइम ही जब ये बनाएंगे तो आपके परफेक्ट बनेंगी। हाँ, मेयरमेंट्स का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं मेयरमेंट्स के मुताबिक बनानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ट्रे ले लूँगी बेकिंग ट्रे, उसको ग्रीस कर लूँगी और उसको ग्रीस ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि जब हम ये बेक करें तो ये इजीली उतर जाए। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये वाला साइज़ में ले रही हूँ मैं। प्रॉपर जैसी नान खटाई होती है ना, बड़े साइज़ की आपने खाई होंगी खलीफा की, जो कि लाहौर से मिलती हैं, तो उसी साइज़ की मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए देखें इतना सा मैंने बॉल लिया और ये जब ये फूलती भी हैं और फैलती भी हैं, ठीक है, ये भी बड़ी भी होगी और मोटी भी होगी, तो इस साइज़ का आपने लेना है। तो अगर छोटा लेना चाह रहे हैं तो वह अब आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैं इन सबको शेप दे दूंगी। ये देखें सब में आलमंड्स आ रहे हैं, कुछ में ऊपर नज़र आ रहे हैं, कुछ में अंदर छुपे हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा गैप पे इनको रखना है क्योंकि अभी ये फूलेंगी, बड़ी होंगी, तो थोड़ी सी इनको स्पेस आप देनी है। ये देखें जी, इतनी डोसे मेरी बन चुकी हैं और 15 नान खटाइयाँ, ठीक है। तो ये तो मैंने फुल बड़े साइज़ की बनाई हैं, जब ये बेक होंगी तो आपको पता चलेगा ये मैंने कितनी बड़ी बनाई है। तो अगर छोटी बनाएंगे तो आपके ज़्यादा भी बन जाएंगी। तो ये देखें जी, इनको अब मैं कर रही हूँ, एक अंडा ले लिया, उसको मैंने फेंट लिया था और उसको मैं ब्रश कर रही हूँ। इससे जो है ना बहुत ही प्यारा कलर आता है, जो नान खटाई के ऊपर येलो गोल्डन सा कलर आता है ना बिस्किट्स के ऊपर, वो इससे आता है। तो इन सब पे मैंने इनको ब्रश कर लिया और उसको मैं बेक कर लूँगी 180 पे 20-25 मिनट्स के लिए। ये देखें जी, 20 मिनट्स के बाद मैंने इनको चेक किया तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। आप 20 मिनट्स के बाद चेक कर लें, ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर 5 मिनट्स में रखें। मेरी 20 मिनट्स के बाद हो चुकी थी, 180 पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। और ये देखिए, एक एक नान खटाई मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है। ऊपर से खूबसूरत सा कलर, नीचे से भी खूबसूरत सा कलर और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये नान खटाई तैयार हुई है बहुत ही कम टाइम में आपके सामने। सिर्फ 5 मिनट में इसकी डो तैयार हुई है और बेक करने में इसको हमारे 20 मिनट्स लगे हैं। तो आप समझ लें बस आधा घंटा, आधे घंटे में हमारी ये नान खटाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी ये नान खटाइयाँ बनी हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। और इसको इस तरीके से मैंने सारी निकाल ली थी और एक एयर कंटेनर में रख दी थी और ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। आप इनको ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें किस तरह की बनी आपकी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।